दसवीं बात है कि सारे दिन भर में बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन किसी भी युक्ति से हमें हमारी बुद्धि के तार बाबा के साथ जोड़कर रखनी है। उसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा कुछ नवीनता चाहता है। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करेंगे तो कभी थोड़ा बोर हमें अभ्यास हो सकता है, लेकिन हमें अमृत वेद से लेकर विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है। उदाहरण के तौर पर अमृत वेद बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला घंटा हमें बाबा के साथ बाप का संबंध अनुभव करना है। उसके बाद जब हम मुरली सुनने के लिए आते हैं उस समय टीचर का संबंध अनुभव करना है, उसका आनंद लेना है। और जब मुरली से बाबा के घर से बाहर जाते हैं मुरली सुनकर या अपने घर से बाहर जाते हैं सेवा क्षेत्र पर, तो बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, बाबा का वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करना है और सारे दिन भर उनकी ही छत्र छाया में हमें चलना है। उसके बाद सारे दिन भर में हमें खुदा दोस्त के रूप में भगवान को अपने मित्र के रूप में अनुभव करना है, उनकी कंपनी का आनंद लेना है, कभी बाबा को माँ के रूप में अनुभव करना है। माँ का जो प्यार है, माँ की ममता बाबा से अनुभव हमें करना है, तो लौकिक माँ से जो लगाव होता है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। कभी बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है, जो भी बाबा वर्षे के रूप में हमें देना है अधिकार वो हमें देना है। कभी साजन के रूप में हमें अनुभव करना है, मैं आत्मा सजनी बाबा मेरा साजन है और परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं उनके साथ मधुर मिलन मना रही हूँ। कभी सर्जन के रूप में अनुभव करना है, कोई ऐसा कड़ा संस्कार होता है उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में आह्वान करके उसकी सर्जरी करना है और उस बीमारी से मुक्त हो जाना है। कभी बाबा को गाइड के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। मन जब मुझ जाता है तो विधा में हम स्वयं को अनुभव करते हैं, बाबा को बुलाओ गाइड के रूप में अनुभव करो। और बाबा त्रिकालदर्शी हैं, जो हमें गाइडेंस देंगे उसमें हमारा कल्याण जरूर है। कभी बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करो, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरा बैकबोन है, मेरा रक्षक है, तो ऐसा हम अनुभव करेंगे तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार का डर या भय अनुभव नहीं होगा। और कभी बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करो, बाबा का धर्मराज के रूप में डर होना ये शुभ बात है, क्योंकि वो डर होने से हमारे से कोई भी छोटा मोटा विक्रम नहीं होगा, पाप का बोझ नहीं बढ़ेगा। तो कहने का भाव है सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके बाबा के साथ मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहें, बुद्धि की तार जोड़कर।